दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय ब्यूरो, निदेशालय तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की सभी प्रयोगशालाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं भारत के सभी महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र और संस्थान। सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान और समतुल्य विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में, और आप देख सकते हैं केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान ये मुंबई में है। और ये सभी संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित संस्थान हैं। आइए अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में जानते हैं। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है केंद्रीय अंतःस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। और एक महत्वपूर्ण संस्थान है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मखदूम मथुरा में स्थित है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। याद रखिएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में स्थित है। केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी ये कोच्चि केरल में स्थित है। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान ये आपका भुवनेश्वर ओडिशा में है। और केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। एक अन्य महत्वपूर्ण संस्थान है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये लखनऊ में स्थित है। इसी तरह केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में स्थित है। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना पंजाब में है। और केंद्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका कोच्चि में स्थित है। केंद्रीय रोपण फसल यानी सेंट्रल प्लांटेशन क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कासरगोड केरल में स्थित है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में। और इस संस्थान के बारे में आप जानते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। और केंद्रीय बारानी कृषि, देखिए केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। और केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान ये अविकानगर राजस्थान में स्थित है। भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान ये देहरादून उत्तराखंड में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रांची झारखंड में।
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये बंगलुरु में स्थित है। एक अन्य महत्वपूर्ण संस्थान है, आप देखिए, भारतीय प्राकृतिक राल और गोंद संस्थान, ये रांची में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि ये कल्याणपुर कानपुर में स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, या इसको भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर में स्थित है। राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान मालेगांव महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान आपका बंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और राष्ट्रीय पशु रोग जानपदिक और सूचना विज्ञान संस्थान हैबल बंगलुरु में स्थित है। देखिए, गन्ना प्रजनन संस्थान आप जानते हैं कोयम्बटूर में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में। केंद्रीय गोपशु अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ये आपका भोपाल में है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज भोपाल में स्थित है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, और 2016 से ये लुधियाना में ये स्थित है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में, यानी सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी और नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान आपका करनाल हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च ये करनाल में स्थित है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में है। भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, हैदराबाद में स्थित है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान ये भी हैदराबाद में है। और भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान पेडावेगी पश्चिमी गोदावरी में स्थित है, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च पेडावेगी वेस्ट गोदावरी में है। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान ये भुवनेश्वर में है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान आप याद रखिए हैदराबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च ये धान अनुसंधान से अलग है। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। और भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च मऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसकी एक शाखा हजारीबाग झारखंड में है। और देखिए, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये नई दिल्ली में स्थित है। आइए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये त्रिची तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार में। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र शोलापुर महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये आपका हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ये मेदजी फेमा नागालैंड में स्थित है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र पेकयांग सिक्किम में स्थित है। राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र ये गुवाहाटी में स्थित है, नेशनल रिसर्च ऑन पिग ये गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में।
और राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जनपद में स्थित है। राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र आपका नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी बिहार में। अब आइए प्रमुख राष्ट्रीय ब्यूरो यानी नेशनल ब्यूरोज के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बंगलुरु में। और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो आप जान लीजिए करनाल हरियाणा में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज यानी राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो ये लखनऊ में स्थित है। भारत के प्रमुख निदेशालय और प्रायोजना निदेशालयों के बारे में जानते हैं। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ में। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर में। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में। खुम्ब यानी डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च ये सोलन में। प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे में। काजू अनुसंधान निदेशालय पुत्तूर में। औषधि और सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय आनंद गुजरात में। पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय पुणे। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय याद रखिएगा जबलपुर में। खुरपका मुंहपका रोग प्रायोजना निदेशालय मुक्तेश्वर में। कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद। कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर ये नई दिल्ली में स्थित है। और शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल नैनीताल में स्थित है। अब आइए देख लेते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की प्रयोगशालाओं के बारे में। देखिए प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान यानी एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भोपाल में स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। कोशिकी और आणविक जीवन विज्ञान केंद्र हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। इसी तरह केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में है। केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कारैकुडी तमिलनाडु में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये पिलानी राजस्थान में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान मैसूरु में। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये आपका कोलकाता में है। केंद्रीय औषधि और सगंध पौध संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान आप जान लीजिए धनबाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च ये आपका धनबाद झारखंड में स्थित है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ में है। दो ये संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप देखिए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में और सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ में स्थित है। चौथा पैराडाइम संस्थान ये बंगलुरु में है। और केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में स्थित है। जीनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान दिल्ली में। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर में स्थित है। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। और भारतीय समवेत औषध संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू में स्थित है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ये लखनऊ में स्थित है।
सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में, खनिज तथा पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं, नेशनल एरो स्पेस लेबोरेटरीज ये CSIR की बंगलुरु में स्थित हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपका पुणे में स्थित है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, आप इसके बारे में जानते हैं, जिसको नीरी कहा जाता है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय अंतर्विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना स्रोत संस्थान नई दिल्ली में है। और आप देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला यानी नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में स्थित है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। और उत्तर पश्चिम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान ये जोरहाट में स्थित है। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट में है। और लास्ट में आप देखिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर यानी संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र आपका चेन्नई में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय ब्यूरो, निदेशालय और CSIR के सभी प्रयोगशालाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया। इसमें हमने प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान, अनुसंधान संस्थान और उनकी अवस्थिति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है। और इसमें परीक्षाओं की दृष्टि से आपके सामान्य जानकारी के लिए उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश कर दिया गया है जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण है। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हमने जल्दी जल्दी में इसलिए कवर किया है कि आप इसको एक दो बार, तीन बार रिवाइज करके देखिएगा तो जल्दी से आपको याद हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।